महानुभावों एवं वरिष्ठ अधिकारी और दर्शकगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फूल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सभी साहब और आप लोगों को मेरे तरफ से बार बार नमस्ते, बार बार नमस्ते। आज ही के दिन 4 मार्च 1966 को बंबई सोसाइटी के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की, सुरक्षा परिषद की स्थापना की। उसके तहत उसमें सड़क सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा के महत्व को देखते हुए, उसकी भावनाओं को समझते किए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 4 मार्च को ये स्थापना किया गया। और इसके महत्व को समझाने के लिए 4 मार्च के दिन नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है और 4 मार्च से 10 मार्च के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा वीक के रूप में मनाया जाता है। तो यही सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के एक विद्वान हेनरिच ने बताए कि सुरक्षा की दुर्घटना होती नहीं, दुर्घटना की जाती है। उनका कहना था कि दुर्घटना जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है और आदमी भगवान पर दोष दे देते हैं जो भगवान ने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है। दुर्घटना जो है हमारे और चारों तरफ बहुत तरह का खतरा फैला हुआ है। उस खतरा से हमको खतरा को तुरंत क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, खतरा से समझौता नहीं करना है। अगर वो खतरा को समझौता कीजिएगा तो आप पर वो खतरा चला जाएगा, आपको नुकसान कर देगा। तो उस खतरा से समझौता नहीं कीजिए, उसको इमीडिएट क्लोज कर दीजिए। और एक्सीडेंट होने पर या कुछ होने पर आदमी का परिवार बर्बाद हो जाता है। सब अपना घर का एक ही आदमी है, एक ही आदमी कमाने वाला है और उसका घर में 5-5 आदमी इंतजार है। जो भाई कमाएगा, पिताजी कमाएगा तो हम लोग खाएंगे। हम लोग इसी के लिए वहां पर आए हुए हैं, जो सुरक्षित तरीका कैसे काम करके यहां से वापस चले जाएंगे। दुर्घटना के संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक कबूतर का परिवार रोज खाना की तलाश में, भोजन की तलाश में बगल के एक गांव में जाया करता था। 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब गया तो कबूतरों की जनसंख्या घट गई। तो कबूतरों का इंचार्ज सभी कबूतरों को बैठक बुलाई और मीटिंग की, जैसे हम लोग आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में सबको बताया गया, सब कबूतरों को समझा दिया गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग में उसे फंसना नहीं। सभी कबूतरों ने याद कर लिया और रट कर याद कर लिया। दूसरा दिन फिर जब गया तो यही बात रखते गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग में फंसना नहीं। और फिर भी दाना खा भी रहा है और बोल भी रहा है। सब कबूतर फंस गया। तो फंसने से कबूतर का परिवार बर्बाद हो गया। तो ऐसा बर्बादी से बचने के लिए आप लोग सुरक्षित तरीका से रहिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मोबाइल की बात हो जाती है। काम करते वक्त हमारे साइड में भी एक दिन 4-5 आदमी मोबाइल पकड़ा गया। उसको बोलने पर बोला नहीं देगा तो लास्ट में छुट्टी करके चला गया। दूसरा दिन आया फिर जाकर के मोबाइल जमा कर दिया। मोबाइल में काम करते वक्त अगर आप बात करते हैं, उसका किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या किसी अपना फैमिली से बात करते हैं, उसमें दो ही परिणाम आता है। पहला परिणाम आता है खूब खुश हो जाना और दूसरा परिणाम आता है क्या, खूब दुखी हो जाना। या तो खुशी होते हैं कि दुखी होते हैं। इसका प्रभाव हमारे सुरक्षा उपकरण पर पड़ जाता है। आदमी जब सुनता है
तो सुरक्षा और अधिक खुशी के कारण सुरक्षा कवच जो भी है वो भूल जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो हम लोग तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारा परिवार हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। बहुत कहता है मैं बहुत 20 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन अगर सुरक्षा उपकरण को आप यूज नहीं करते हैं तो कब है और कब नहीं है उसका गारंटी नहीं है। बड़े से बड़े योद्धा महाभारत के युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध में एक तरफ द्रोणाचार्य जी थे और दूसरा तरफ अर्जुन थे। द्रोणाचार्य के आगे अर्जुन कुछ नहीं थे लेकिन दोनों के युद्ध में श्री कृष्ण के समझाने पर युधिष्ठिर ने बोल दिए कि अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। इस शोक का संवाद सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र त्याग दिए। इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए ये हमारा सुरक्षा का उपकरण है और जिसके कारण वो मारे गए। तो इतना बड़ा बलवान होने के कारण जब वो चले गए तो हम लोग क्या है। हम सुरक्षा में है हम सबकी भलाई, सुरक्षा में है हम सबकी भलाई और यही है अपनी बड़ी कमाई। आपका अगर आप सुरक्षित हैं तब ये घर परिवार का सब काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो परिवार सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आप सुरक्षित रहिएगा तब आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं, अंत में मैं यही बोलकर विश्राम देना चाहता हूं। तो सुरक्षा को देखते हुए और सब कुछ पता है लेकिन मोबाइल फोन का यूज मत कीजिए। एक तरफ आपका मोबाइल फोन है और दूसरा तरफ है गर्लफ्रेंड है, दोनों में अगर आप गर्लफ्रेंड को पकड़िएगा तो क्या होगा, निजी सुरक्षा उपकरण भूल जाइएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। उससे अगर बात करना है तो लंच टाइम में कीजिए, उस टाइम में दिमाग फ्री रहता है और काम करते टाइम में ऐसा मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल नहीं कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह पाइएगा। हम सबका एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा है सुरक्षित रहे परिवार हमारा। जब परिवार हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा और परिवार सुरक्षित रहेगा तो हम लोगों का देश भी सुरक्षित हो गया। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। जय सुरक्षा जय सुरक्षा जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की शक्ति फर्स्ट रहना चाहिए। थैंक यू।